नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर विधायक ने किया मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्राप्त चेकों का वितरण। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने आज मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्राप्त कुल 1,06,000 रुपए की धनराशि के 7 चेकों का वितरण किया। त्रिलोक सिंह चीमा ने बताया कि लाभान्वितों में संतोष देवी निवासी शिवलालपुर को 11,000, गोविंद सिंह निवासी दुर्गा कॉलोनी को 11,000, कृष्ण सिंह निवासी बांसखेड़ा खुर्द को 11,000, जीवननाथ निवासी राजपुर को 11,000, रामविलास निवासी श्यामपुरम को 11,000, उमा निवासी कटरा माल्यान को 11,000, सुनील कुमार निवासी आर्य नगर को 40,000 रुपए की धनराशि के चेक दिए गए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवार को आर्थिक तंगी के समय जो भी राशि मिल जाए उनसे उनको थोड़ा सहारा जरूर मिलता है। ऐसे लोगों को सरकार के स्तर से मिलने वाली हर संभव सहायता दिलाए जाने हैं तो उनके प्रयास जारी रहेंगे। मानक आज मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम लोगों को 7 चेक प्राप्त हुए हैं जिनकी टोटल वैल्यू 1,06,000 रुपए है और ये 7 चेकों को जो है हम लोगों ने इन लाभार्थियों को दिए हैं। एक संतोष देवी है शिवलालपुर से, उसको 11,000, गोविंद सिंह को 11,000, कृष्णा सिंह बांसखेड़ा से 11,000, जीवननाथ को 11,000 और पुत्री की शादी के लिए 11,000, वो राम विलास को उसके घर में कोई आग लगी उसको 40,000 रुपये का जो आज हम लोगों ने चेक रिटर्न किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अमाउंट से हम लोगों को सहायता मिलेगी और हम लोग आगे भी इस तरह के। अब वक्त हो चला है काशीपुर के अन्य खबरों का। समर स्टडी स्कूल के अध्यक्ष मुक्ता सिंह को एजुकेशनल स्लॉटवर्ड अवार्ड देकर किया गया सम्मानित। श्रीराम इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ प्रोजेक्ट गौरव। भीम आर्मी के सम्मेलन में एकजुटता पर दिया गया जोर। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें समर स्टडी हॉल विद्यालय के अध्यक्ष मुक्ता सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गौरवपूर्ण पहचान हेतु एजुकेशनल स्लॉटवर्ड अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह रुद्रपुर स्थित होटल आग में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CBSE देहरादून के क्षेत्रीय अधिकारी मनीष अग्रवाल रहे। मनीष अग्रवाल द्वारा श्रीमती मुक्ता सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान एवं उनके कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई दी गई। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय श्रीमती मुक्ता सिंह ने अभिभावकों को दिया। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। काशीपुर के श्रीराम इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं के वित्तीय कौशल विकास एवं सामाजिक मूल्यों को विकसित करने हेतु एक कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला के तहत सेबी के रिसोर्स पर्सन अंकुर भटनागर ने उक्त विषय पर छात्र छात्राओं को वित्तीय दक्षता पर महत्वपूर्ण टिप्स प्रदान किए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर योगराज सिंह, प्राचार्य डॉक्टर SS कुशवाहा द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं चरणों में पुष्प अर्पित कर किया गया। उन्होंने सेबी के रिसोर्स पर्सन अंकुर भटनागर का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट करके किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला अगले 4 दिनों तक जारी रहेगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। भीम आर्मी के कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। सोमवार को कलियावाला रोड पर एक मैरिज हॉल में आयोजित सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल ने भीम आर्मी को दबे कुचले वंचित शोषित लोगों का हितैषी बताते हुए दलित समाज और अन्य गरीब तबके के लोगों को संगठन से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी, संगठित होकर अपने लोगों को सदन तक पहुंचाना होगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष अजय गौतम, शेखर कुमार, अर्जुन कुमार, इकबाल हुसैन, गौतम जाटव, सौरभ कुमार आदि उपस्थित रहे। जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।